तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और मेरे प्यारे बच्चों, ये नई शुरुआत है ना, और इस बैच का नाम रहेगा हम सफ़र बैच। ठीक है, एक्चुअली इसका रीज़न ये था, हम सफ़र बैच रखने का ये रीज़न हो गया क्योंकि इस बैच को हम लोग पूरा साल लेके चलेंगे। हालांकि लास्ट में आप लोग जो पुराने बच्चे होंगे वो जान रहे होंगे कि जो बैच चल रहा है, अंतिम संघर्ष बैच अभी ख़त्म हुई है, और अभी VVI वाला जो बैच है वो आ रहा है, एक दो दिन में वो भी आ जाएगा। तो फिलहाल जो है ये नया बैच का नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, नए बच्चों वाला, है ना। तो इसलिए इस बैच का नाम हमने थोड़ा सा हम सफ़र रखा, क्योंकि ये पूरा रास्ता पर हम लोग को सपोर्ट करने वाला है। ठीक है ना, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको YouTube पर वीडियो मिलेगा। पहले क्या हो रहा था, लाइव के दौरान हमने एक चीज़ देखा, ये लाइव सेक्शन में वीडियो सारा चला जाता था, प्लस थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रुक के आ रहा था वीडियो। तो इसके रीज़न से हम लाइव क्लास नहीं लिए, और ये सारा का सारा इसी तरह का वीडियो मेरे ख्याल से अभी कुछ दिन तक चलेगा, जब तक यहाँ का इंटरनेट ठीक ठाक नहीं हो जाए। इसमें जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड के बच्चों को भी बेनिफिट होगा, लेकिन जैक बोर्ड और बिहार बोर्ड स्पेशली ज़्यादा लिए, क्योंकि ऑफलाइन में ज़्यादा जैक और बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं। ठीक है ना, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बच्चों के लिए बेनिफिशियल वीडियो होंगे। ठीक है, आप जो ऑफलाइन में बैठे हैं आप लोग सबको तो समझ में आना ही है, और ऑनलाइन जो बच्चे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और एकाग्रता से पढ़िएगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है ना, यहाँ आपको लाइव क्लास सॉरी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, लाइव क्लास का ये बन गया था PPT, तो अभी लाइव क्लास इस चैप्टर का नहीं लेंगे, लेकिन आगे लाइव क्लास होगा। ये आपका Day 1 है। ठीक है जी, और हम लोग पढ़ रहे हैं जो चैप्टर है इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि Chapter 7। ठीक है, तो शुरू करें। सारे बच्चे तैयार हैं? सारे बच्चे तैयार हो आप लोग? देखिए चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। हालांकि पिछले क्लास हम लोग कुछ कुछ बातें हम लोग जान गए थे कि निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ना है क्या और ऐसे क्या होता है इसमें, बट आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति का पूरा परिभाषा देखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे, इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं वो सब देखेंगे, फिर बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें पढ़ने को मिलेगा, और एक एक क्वेश्चन को देख के हम लोग को हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट सीखना। ओके, तो बिना ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहला टॉपिक, निर्देशांक ज्यामिति है क्या, है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति को ऐसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं जी? कोऑर्डिनेट ठीक है, चलिए बाबू शुरू करें। देखिए यहाँ क्या है निर्देशांक, आप लोग निर्देशांक के बारे में जानते हैं क्या? ये चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, तो पहले सबसे पहले हम सबों को जानना चाहिए निर्देशांक है क्या, फिर तो ज्यामिति समझेंगे, ज्योमेट्री तो जानते हैं बचपन से, ये लाइन ये सब जो रेखा का दूरी निकालना, रेखा कितना बड़ा, परिमाप निकालना, जैसे मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है, ये कोई किरण है, तो ये सब क्या होता है, ज्योमेट्री का ही भाग होता है, दूरी निकालना ये सब क्या है, इसी का भाग है। तो निर्देशांक ज्यामिति गणित का वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़ने वाला रेखा के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं। संख्याओं के जोड़ों से बने दो बिंदु की स्थिति को बिंदु निर्देशांक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, संख्याओं के दो जोड़ों, आप लोग जानते हैं ना, कोई भी अगर बिंदु का निर्देशांक हो तो सपोज करो AP का निर्देशांक है, तो यहाँ x एक होगा और एक y होगा, क्योंकि समतल पर दो ही अक्ष होते हैं, एक x अक्ष और एक y अक्ष, जिसको हम लोग यहाँ पर 2D के नाम से जानेंगे, द्विविमीय आकृति के रूप में समझेंगे। तो 2D मतलब क्या होता है, द्विविमीय, इसलिए हम लोग x अक्ष और y अक्ष पढ़ेंगे। जब आप क्लास 12th में या 11th में जाएंगे ना, तो आप लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे 3D भी, ठीक है ना, हालांकि 10th में भी पढ़ेंगे, लेकिन जब आपको आयतन वगैरह पढ़ाएंगे तब, क्षेत्रफल आयतन वाला चैप्टर 13 है, उसमें हम लोग 3D पढ़ेंगे, 3D आकृति का आयतन क्षेत्रफल ये सब जो है वो सब निकालने सीखेंगे। फिलहाल ये जो 3D है इसमें क्या होता है, जिसमें तीन तल होते हैं, एक x अक्ष, एक y अक्ष और एक z अक्ष होता है, कुछ ऐसे। इसको हम लोग क्या, कौन सा अक्ष कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, और एक अक्ष पीछे भी रहता है जिसको हम लोग कहते हैं जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं 3D, क्योंकि यहाँ पर तीन विमाएं आ रहे हैं, आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लीजिए, या फिर कोई भी तीन विमा हो सकता है। यहाँ पर जो है दो बिंदु रहेगा, दो बिंदु का जोड़ा रहेगा, है ना, किसी भी पॉइंट का निर्देशांक जो होता है दो संख्याओं का पेयर के साथ बनता है। निर्देशांक जो हमेशा होगा वो कितने संख्याओं के साथ होगा, एक तो होगा x के लिए, एक किसके लिए होगा, y के लिए। संख्याओं के जोड़ों से बने बिंदु की स्थिति बिंदु निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, बिंदु निर्देशांक। चलिए, क्योंकि ये नोट्स होगा आपका, इसलिए इसमें ज्यादा हम लोग नहीं इधर उधर गंदा गंदा करेंगे, ठीक है, चिसेंगे ज्यादा नहीं। अब चलिए समझते हैं। तो सपोज करो हम यहां पर कोई पॉइंट लिख रहे हैं, यहां पर A, जैसे सपोज करो लिख रहे हैं 2 और 3, आप लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़े होंगे, और जो नहीं पढ़े हैं यहाँ पर देख लीजिए, जो बच्चे एकदम नए हैं जो कभी पढ़े नहीं निर्देशांक, यहाँ पर पढ़िए A 2 3 को हम लोग लिख सकते हैं A का निर्देशांक। क्या पढ़ेंगे, A का निर्देशांक।
ए का निर्देशांक बराबर क्या क्या दिया भाइयों, दो और तीन, है कि नहीं है। उसी तरह अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट दिया है बी जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस टू और फोर, कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस समथिंग कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो माइनस टू थ्री है, इसका मतलब हम कहेंगे ये क्या है, बी का निर्देशांक। जो बच्चे इंग्लिश जानना चाहते हैं, इंग्लिश के लिए ये होता है कोऑर्डिनेट, तो हम लोग बोलेंगे इसको कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ये होगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए। तो यहाँ पर जो है भाई साहब क्या है, माइनस टू देन फोर, क्लियर है कि नहीं है। तो चलो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया निर्देशांक कैसे लिखते हैं। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, निर्देशांक बिंदु। जैसे सपोज करिए ये कोई तल है ना, और इसके बीच में कहीं एक पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है इसका कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, कुछ ना कुछ बिंदु दो होगा, दो पेयर होगा, एक एक्स के लिए एक वाई के लिए होगा ना। तो इस बिंदु कोई भी बिंदु का निर्देशांक जब हम निकालेंगे तो उसमें दो पॉइंट लिखना क्या है, कंपलसरी है, जरूरी है, ठीक है। अगर मान लेते सर यहाँ ओरिजिन में होगा तो क्या होगा, ओरिजिन में होगा तो जीरो जीरो होगा, बोलो हाँ या ना। आगे हम लोग देखते हैं और भी बहुत सारा चीज इसमें समझेंगे। अब समझते हैं थोड़ा सा बिंदु निर्देशांक की स्थिति को। हम लोग पिछले क्लास में भी ये चीज समझे थे, यानी क्लास नाइन्थ में भी ये पढ़े थे, बट जो नहीं पढ़े एक बार फिर से देखिए। किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक युग्म की आवश्यकता होती है। अब बोलिए निर्देशांक अक्ष होता क्या क्या, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। निर्देशांक अक्ष कौन कौन से होते हैं, एक्स अक्ष। अगर आपसे पूछा निर्देशांक अक्ष क्या होता, तो यहाँ सर बोलिएगा एक तो एक्स अक्ष होता है सर और एक तो वाई अक्ष, क्लियर है, इसकी आवश्यकता होती है। आगे ध्यान दीजिएगा, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, किसकी किससे दूरी, वाई अक्ष से दूरी। जरा सा हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं, सबको दिख रहा है ना, ठीक। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का x का निर्देशांक या भुज कहलाएगा, यानी y अक्ष से जो दूरी है ये कौन सा अक्ष है, y, ये कौन सा अक्ष है, x है। अच्छा x अक्ष को ही ये भी पूरे x से अक्ष है लेकिन पीछे चला गया तो इसलिए x डैश बोलते हैं, और ये पीछे नीचे आ गया तो हो गया y डैश। तो ध्यान दीजिएगा ये जो पूरा अक्ष है इसको x अक्ष ही कहेंगे हम लोग, है ना, या आप कह सकते हैं x x डैश, ये उसको कहेंगे y अक्ष या तो y y डैश, समझ में आ रहा है सबको। चलिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, y अक्ष से दूरी, किससे दूरी, वाई अक्ष से दूरी। तो मान लेते हैं वाई अक्ष से यहाँ पर कितना दूर है, देखते हैं ध्यान से। मान लेते हैं ऐसे ऐसे करके कोई पॉइंट है और यहाँ भी कोई पॉइंट है, इसका है मान लेते हैं सपोज करिए यहाँ एक दो तीन, यहाँ पर है एक दो, यहाँ भी तीन ले लेते हैं, इधर चार, ऐसे करके कुछ है, इधर भी कुछ है चार, ठीक है बच्चों। यहाँ पर ज़रा समझिएगा, अगर ये पॉइंट है सर तो ये पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक तो तीन होगा, दूसरे में भी क्या होगा, तीन। अब जो तीन है यहाँ पर, जो x का मान तीन है वो कैसे आया, तो y से दूरी देखिए कितना है, तीन। अब बोले सर कैसे जान गए, वो तो y से दूरी है मतलब, तो y का दूरी है सर तो आप x क्यों ले रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक है, इस लॉजिक पर अगर आप थोड़ा सा पकड़ बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी समझ में आएगा और इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पता है इससे बेस्ट क्वेश्चन बहुत सारे रहेंगे आपके पास। तो यहाँ देखिएगा ये y x से दूरी है, बोले हाँ सब दूरी है ना, तो क्या लगता है वो x अक्ष में कभी नहीं जाएगा। तो x देखिए जब भी y अक्ष के y अक्ष से कोई दूरी मापा जाए तो वो हमेशा और हमेशा x अक्ष के पैरेलल होगा, x एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर। तो देखिए यहाँ पर x अक्ष है उसके समानांतर है कि नहीं है, समानांतर का मतलब यहाँ से यहाँ अगर तीन की दूरी है तो वहाँ से वहाँ की दूरी कितना हो जाएगा, तीन, सिंपल। नहीं समझ पाया, यानी x अक्ष से दूरी अगर आपको बोलेगा निकालने तो किसका मान होगा, y का या x का, x अक्ष से दूरी निकालने बोलेगा, x अक्ष से दूरी, यहाँ से x अक्ष से दूरी कितना होगा उस बिंदु का, तो आप लोग सब जान रहे हैं, देख रहे हैं x अक्ष से कितना दूर पर है, तीन बिंदु। अरे देखो ना यार, अगर हम x अक्ष के आगे जा रहे हैं उस बिंदु तक जा रहे हैं, यानी x अक्ष से कितना दूर था ये, कहाँ तीन दूर है, इधर से देखो पैरेलल, देखो आप लोग सबको देखो, यहाँ पे आप लोग देखे यहाँ पर ये वाई अक्ष है कि नहीं है। किन किन बच्चों को नहीं समझ में, एक बार हाथ खड़ा करें आप लोग, ये बात किनको नहीं समझ में, हाथ खड़ा करो जल्दी प्लीज, सब समझ गए। अरे टेंशन नहीं लेना, नहीं समझ में आया तो बिंदास पूछना है, ठीक है। चलो फिर से बताते हैं, हमको लगता है आप लोग कोई कोई नहीं समझे। यहाँ पर एक पॉइंट है बाबू लोग, इस पॉइंट का नाम है एक दो, यहाँ तीन है भाई साहब चार, और यहाँ पाँच, यहाँ है एक और दो तीन। आप सरासर यहाँ पर समझ रहे हैं सर कि ये जो पॉइंट है दो को टच कर रहा है और इधर से पाँच को टच कर रहा है, दैट मीन्स कि ये जो पाँच है इसका निर्देशांक कितना लिखा है, जल्दी बोलिए। पहले तो x का मान, फिर y का मान लिखा था, तो x की जगह पर क्या है जी,
x के जगह पर x पर 5 है बाबू, तो x का मान 5, y का मान क्या है? अब x का मान जो है 5 क्यों लिखाया? क्योंकि यहाँ से ये जो दूरी है ये कितना दूरी बताओ, जल्दी बताओ आप लोग, 2 है, क्योंकि ये अगर 2 है तो ये भी कितना होगा? 2 मात्रक यूनिट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ दूरी हमको किलोमीटर मीटर में नहीं दिया है, इसलिए जब दूरी कुछ में नहीं दिया था हम लोग यूनिट में डिस्टेंस मेजर करेंगे, किसमें? यूनिट में। या फिर अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो बोलिए 2 इकाई, हो पाएगा? अच्छा अब बताइए जी, ऊपर में जो डिस्टेंस है ये वाला यहाँ से यहाँ, ये कितना दूरी है? तो सारे बच्चे का आंसर आ रहा 5, पक्का ना? सर 5 क्यों होगा? क्योंकि आप देख रहे हैं ना सर, यहाँ से यहाँ 5 है तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा? 5 ही होगा, तो 5 इकाई। बोलो यार, यानी वाई अक्ष से अगर कोई डिस्टेंस को मापते हैं तो वो x कहलाता, क्योंकि x के समानांतर होता, x के समानांतर होता। और हम अगर x अक्ष से कोई दूरी नापते हैं तो वो किसके समानांतर दिख रहा है? वाई का, इसलिए वो वाई का मान होता है। एक्स अक्ष से नापी गई दूरी क्या होता है? वाई, वाई का निर्देशांक, समझ में आ गया? यानी वाई कहलाएगा, ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है मान लेते हैं 2 और 3, तो बोलिएगा सर एक्स का मान यहाँ, एक्स कहीं जहाँ पे होगा वो 2 नंबर पे होगा, और वाई की जगह पर 3, मतलब वाई कहाँ पर होगा? 3 नंबर पे होगा। नहीं समझा पाए? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ 1, 2, 3 है, सिंपल, कोई टेंशन लेना नहीं है। हो पाएगा यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पर समझते थोड़ा सा आगे। तो वाई एक्स से जो दूरी हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक कहते हैं। एक्स का निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, या उसी को हम लोग क्या पढ़े थे कल को? भूल। हमने आपको एक बड़ा सा बढ़िया सा ट्रिक बताया था, अगर एक्स ऐसे है तो आप अपना हाथ को ऐसे कर लीजिए, और हाथ मतलब क्या पढ़े थे? भुज, भुजा। हाथ को हम लोग भुजा कहते हैं कि नहीं कहते? बाबू लोग बढ़िया से देखिए, हाथ को हम लोग क्या कहते हैं? भुजा। अगर हम ऐसे भुजा अपना फैला दें, ये भुजा फैला दें, तो ये किसको इंगित कर रहा है? एक्स को या वाई को? एक्स को इंगित कर रहा है। दैट मीन्स कि सर अगर एक्स को इंडिकेट कर रहा है मेरा भुज, यानी मेरा भुजा, तो उस भुजा से हम याद रख लेंगे भुज, तो इसलिए ये क्या होता है? भुज होता है। क्लियर है? एक्स एक्स को हम लोग क्या कहते हैं? भुज। और किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, किससे दूरी? एक्स अक्ष से दूरी, तो ये जो दूरी है 2 है वो किसका दूरी है? वाई है ना, तो वाई निर्देशांक, या इसको हम लोग कहते हैं कोटी। तो हम इसका क्या बताए थे, ट्रिक याद होगा? ये मुड़ी है ऊपर में हम लोग का, इसको हम लोग कहते हैं चोटी, तो चोटी से याद रखना है कोटी, चोटी कोटी। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, इसमें कुछ छूट गया क्या? आज पहला क्लास है, थोड़ा वो क्या कहते हैं, हेजिटेट हो रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेंगे हम आपको, ठीक है। जरा सा समझिएगा, यहाँ पर x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की निर्देशांक, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे हैं, अगर x अक्ष पर कोई पॉइंट रहा, x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक, यहाँ पर ये कौन सा अक्ष है जल्दी बताइए? x, ये क्या है जी? क्वेश्चन बोल रहा आपसे, यहाँ जो थ्योरी है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x और 0 होता है, दैट मींस कि अगर यहां पर कोई पॉइंट रह गया ना, तो इसमें x का मान होगा और y का मान क्या होगा? 0। बोले सर क्या मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं सीरियसली है, देखिए कैसे, यहां पर ओरिजिन है कि नहीं है? बोलिए ये y अक्ष में कितना दूर गया? कुछ हो नहीं सर, ये तो x अक्ष में लटक ले है, y अक्ष में भागा है क्या? नहीं। जब जाएगा ही नहीं, तो डिस्टेंस कितना होगा? 0। नहीं समझ पाए? यानी कि अगर कोई भी पॉइंट x अक्ष में रहेगा तो उसका जो निर्देशांक होगा x और 0 होगा। सेम टू सेम, थोड़ा सा एक जरा हम अपोजिट करते हैं इस बात को, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर अगर y अक्ष पर कोई पॉइंट रहे, दैट मींस कि सपोज करो यहां पर है, ये y अक्ष है कि नहीं सर? yes, पक्का ना? yes, अगर y अक्ष पर होगा तो यहां पर x का मान क्या होगा? 0, और y का मान होगा। अब बोले सर y का लिख रहे हैं, कुछ तो होगा, 1, 2, 3, 4, हाँ होगा, आने दीजिए, समय पर आपको बताएंगे। जब x अक्ष पर कोई भी पॉइंट रहे तो वहां x का मान होगा y का मान 0, y का मान 0, नहीं कैसे नहीं, 0 होगा, ठीक है। अगर y अक्ष पर कोई भी बिंदु रहे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्लास है, मस्ती समझिएगा, ठीक है, इन्हें के प्रेशर से, हाँ समझना आपको आज बहुत ज़्यादा समझना, ऐसा नहीं, एकदम सीरियस रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे क्लास में आप लोग सीरियस नहीं रहिए, होने हम देंगे नहीं, ठीक है। वो तो थोड़ा सा कैमरा आ गया इसलिए हम कुछ बोल नहीं पा रहे आपसे,
ठीक है, नहीं तो बोलते हैं ना करदा उड़ जाता है, डर लगता है। ठीक है चलिए, एक्चुअली होता क्या ना, देखिए बताते हैं एक्चुअल बात बताते हैं लाइफ का एकदम सबसे मस्त गोल। ठीक है, आप खूब बड़ा कॉमेडियन है, आप खूब बड़ा मतलब टैलेंटेड है, लेकिन जब आपके सामने सपोज करो पेरेंट्स रहे या कोई बड़े हो, तो उस वक्त आपका ना निकलवे नहीं करता है। हम आप लोग देखिए, आप लोग हमसे जूनियर है, दैट मीन्स कि हम आपके सामने बड़ा एकदम पूरा ढीठ बन के बोलते हैं एकदम मौज मस्ती में, लेकिन मैम थोड़ा सा इसका ये जो है, ये मेरा पेरेंट्स तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो कैमरा है ये पूरा ऑल ओवर इंडिया घुमाएगा मेरा वीडियो, क्या पता कुछ भी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा, हालांकि वैसे भी हम कुछ ज़्यादा इधर उधर तो बोलते नहीं है, सिर्फ क्या बोलते हैं मतलब थोड़ा गप ज़्यादा हो जाता है, मजाक ज़्यादा हो जाता है, बस इसलिए और कुछ नहीं है ना। बट कोई बात नहीं, वाई एक्स पर अगर कोई बिंदु हो तो वाई का मान होगा एक्स का मान जीरो। तो ये नहीं करिएगा आप लोग पहले वाई लिखिएगा फिर जीरो लिखिएगा, ऐसा नहीं होता सर, पहले एक्स का मान फिर पढ़ें कि नहीं पढ़ें, हर स्थिति में हर एक पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा जो भी निर्देशांक होगा उसमें पहले एक्स का मान होगा फिर बाद में वाई का। सर आगे बढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में मूल बिंदु, मूल बिंदु दैट मीन्स की ओरिजिन। अब समझते हैं मूल बिंदु क्या होता है, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटता है तो यहाँ पर बीचों बीच एक बिंदु बनता है, इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, और इस मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओरिजिन। इंग्लिश आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, निर्देशांक जीरो जीरो अक्ष तल को चार भागों में विभाजित करता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है इसको कितने भागों में बांटा गया, एक दो तीन चार। ठीक है, चार भागों में विभाजित करता है जिसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चार भागों में बांटेगा तो क्या कहेंगे, समझिएगा आगे। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु, जहां पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसी को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। और किसी बिंदु का भुज एक्स होता कि नहीं होता, एक्स निर्देशांक, एक्स का निर्देशांक नहीं बोलेगा, अगर का लगा दीजिएगा ना तो फिर एक्स कोई पॉइंट हो जाएगा, यहाँ एक्स निर्देशांक मतलब एक्स ही है वो, और दूसरा जो उसकी वाई अक्ष जो होती, वाई अक्ष से दूरी होती है, सही बात है भाई, जो यहाँ पर एक्स का डिस्टेंस होगा वो वाई अक्ष से क्या होगा, दूरी, वाई अक्ष से कितना दूर है, तो इतना दूर है सपोज करो, तो ये एक्स से पैरेलल है ना, नहीं समझा पाए पक्का, चलिए जरा से देखिए, तथा किसी बिंदु की कोटि, चोटी मतलब कोटि, ये क्या होगा, वाई होगा, क्या होगा, वाई, वाई निर्देशांक होता है, और उसको वो जो होता है उसकी दूरी जो होता है वो कहाँ से होती है, एक्स अक्ष से दूरी होती है, देखो यहाँ एक्स अक्ष से इतना दूरी, तो ये एक्स अक्ष से जो ये वाला जो दूरी है ये किसके बराबर है, वाई को, इसलिए अगर यहाँ से यहाँ तीन होगा तो ये भी क्या होगा, तीन। नहीं समझा पाए, पक्का समझ गए, सही में ना। आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे, बाबू लोग अगला पेज में यहाँ एक चीज़ आप लोग समझिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको सिखाने वाले हैं, क्लास नाइन्थ में आप लोग पढ़े होंगे बट फिर से यहाँ पे आपको सीखना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जीरो जीरो, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जीरो जीरो, निर्देशांक मतलब कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट, इसे लोकेशन का पता चलता है कि एक्स अक्ष से वो कितना दूर पर है, वाई अक्ष से वो कितना दूर पर है। अब जरा समझिएगा, ये जो है ना बाबू एक्स अक्ष और ये जो है आपका वाई अक्ष, एक्स और वाई वाला को हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए उतना ज़्यादा ये जरूरी नहीं है प्रथम द्वितीय, हालांकि सीखना जरूरी है लेकिन एग्जाम में प्रथम द्वितीय नहीं पूछता, लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों का एग्जाम में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थांश से एक क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है। ठीक है, तो जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं वो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यू यू ए डी आर ए एन टी, सही है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ओके, उसी तरह इसके आप पीछे चले जाइए तो ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट शॉर्ट में लिखना चलेगा, या द्वितीय चतुर्थांश आप कह सकते हैं इसको, द्वितीय, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे ये क्या लिख सकते हैं हम, तृतीय चतुर्थ, पढ़ाए थे नाइन क्लास में, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट, बोले यार थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे कि नहीं, सेम इस इधर आ जाएंगे,
चतुर्थ दैट मीन्स कि हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। अब यहाँ समझने योग्य बात यह है कि सर फर्स्ट अगर क्वाड्रेंट है यानी प्रथम चतुर्थांश है तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पॉइंट होगा कोई भी पॉइंट आएगा निर्देशांक आएगा तो जो भी पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट होगा क्या? तो यहाँ पर जो सबका कोऑर्डिनेट आप सब जानते हैं एक्स और वाई होगा, यहाँ भी कोई पॉइंट आएगा तो उसका भी कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स और वाई, इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता। तो सर एक्स और वाई होगा, यहाँ भी एक्स और वाई होगा, थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं, एक्स और वाई, यहाँ पर भी क्या होगा एक्स और वाई। लेकिन जो चीज़ आप समझना वो बढ़िया समझिएगा, आप सभी जानते हैं ये जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये भी क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है निगेटिव, होता है कि नहीं होता? और नीचे भी क्या होता है, माइनस वी का मतलब निगेटिव याद रखिएगा और प्लस वी का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस वी, क्लियर है कि नहीं? तो जरा सा गौर करिएगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो ये दोनों क्या होगा प्लस प्लस, क्या होगा प्लस प्लस। अगर कोई पॉइंट आ जाए बोलेगा प्रथम चतुर्थांश में जो पॉइंट होते हैं, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है, चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु का निर्देशांक क्या हो सकता है, तो बोलेगा प्लस व एक्स और प्लस, क्लियर है कि नहीं? चलिए बढ़िया समझिएगा अगला वाला बात को जो समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर भाई साहब देखो पहले किसका मान देख रहे हैं हम लोग, एक्स का, तो देखो एक्स किस में है, ये तो एक्स डैश है कि नहीं रे, और वाई किस में है, तो एक्स के सामने वाई के सामने और बीच में होगा कॉमा, क्लियर है कि नहीं? याद रखिएगा कोई भी निर्देशांक को छोटी ब्रैकेट के अंदर में ही रखना, निर्देशांक कभी भी बाहर नहीं रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा तीसरा में, देखिए बाबू लोग पहले किसको लिखते हैं हम लोग x को, फिर किसको लिखते हैं y को, x में क्या है minus. x में माइनस, y में क्या है minus. तो दोनों हो गया माइनस माइनस, क्या बात समझ पाए आप लोग? फोर्थ yes, में आइए, x में क्या है जी plus. y में क्या बाबू minus. प्लस और माइनस, चार ऑप्शन देगा बोलेगा दूसरा अच्छा, तो चार यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बना लेते हैं, बोलेगा दूसरा क्वाड्रेंट में अगर कोई बिंदु है, क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है आपसे, दूसरा क्वाड्रेंट में अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, डायरेक्ट लिख पाइएगा। देखिए समझना, कुछ और रटने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे उसको रटना पड़ेगा, प्रथम में प्लस प्लस, इसमें माइनस माइनस, क्या है माइनस प्लस, इसमें माइनस माइनस, उसमें प्लस माइनस, ऐसे ही ना, आपको रटने की जरूरत पड़ेगा नो रटा रटे, सिर्फ समझना, बढ़िया समझना। क्वेश्चन पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जीरो जीरो, क्लियर है, और हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। आगे बढ़े जी, चलिए समझते हैं। दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र, दो बिंदु P और Q के बीच की दूरी, अच्छा ये आपका क्या था, हेडिंग था, ये हेडिंग है ठीक है, इसलिए इसको घेर लेते हैं दो बिंदु जिसे P है और एक तो क्या है Q के बीच की दूरी, उन दो बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड की लंबाई होती है, क्या मतलब सर? नहीं समझो, लो ना यार समझो, ये कोई बिंदु है और ये भी कोई क्या है बिंदु, ए बिंदु रेखा तुम्हारे मोहल्ला वाला कोई नहीं है सब ठीक है, और इसके बीच में यहां से यहां तक दूरी माप लिए, सपोज करिए यहां पर है कोई मंगरा ठीक है, ये मंगरू जो है मंगरू पांडे सॉरी, ये जो मंगरू पांडे है ये बुल्ले 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 लचकले लचकले आ रहा है इस पॉइंट पर, मंगरू बन देखो ये मंगरा बन गया घंगरा ठीक है, तो जब यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रेवल किया तो पक्का उसको लगा होगा कि सर हम कुछ दूरी तय कर लिए हैं, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जो डिस्टेंस कवर किया इसको हम लोग एक दूरी से इंडिकेट कर रहे हैं, और इसमें एक सूत्र लगेगा जिसको हम लोग दूरी सूत्र कहेंगे, क्या कहेंगे दूरी सूत्र, ठीक है। तो समझिएगा इस बिंदु से लेकर इस बिंदु के बीच जो भी लंबाई होगा, तो यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई को, क्या चीज को, लंबाई हम लोग क्या बोलेंगे दूरी कहेंगे, क्या कहेंगे दूरी। तो उन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखा खंड की लंबाई, ये जो लंबाई है दूरी कहेंगे ठीक है। और पी क्यू, मान लेते हैं इस बिंदु का नाम था पी, इसका नाम क्या था क्यू, तो पी क्यू का जो दूरी होगा इसके लिए फॉर्मूला होगा अंडर द रूट, चर के कलमास लिखेंगे क्या, अंडर द रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और इसी को हम लोग कहते हैं दूरी का सूत्र ठीक है। अभी तक आप लोग चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल बटे समय, चाल गुना समय क्या होता है, दूरी बराबर जल्दी बताइए, चाल बटे, रुके दूरी बराबर चाल गुना समय,
ये नहीं होता था। तो आप लोग पहले ये फॉर्मूला पढ़े थे, लेकिन अब दूरी के लिए फॉर्मूला उस तरह हम लोग नहीं पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग चल रहे हैं मैथ में और दो बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करना होगा, तो हम लोग चलेंगे इस फॉर्मूला से। अब आप पूछेगा सर फॉर्मूला कैसे आया, हमको नहीं समझ में आया, है ना? तो कोई बात नहीं, मेरे होते आपको टेंशन होने देंगे क्या? अच्छा बताओ, यहाँ कोई पॉइंट है एक्स और वाई, तो निर्देशांक तो होगा ही भाई। थोड़ा इसको मिटाते हैं, अब ये मोटा थोड़ा हो गया, ठीक है? अब मोटा चीज़ हमको पसंद नहीं है, इसको थोड़ा सा पातर करते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y, ये भी कोई पॉइंट है तो इसका भी डेफिनेटली निर्देशांक होगा x और y। लेकिन ये पहला कोऑर्डिनेट है ना, पहला बिंदु है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं x1 और इसको बोलेंगे y1। कोई तकलीफ किसी को? आपको मन करे तो आप उसको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दुख नहीं होगा। अगर आपको दुख होगा तो आप चेंज कर लीजिएगा। इसको x1 y1 बोल दिए जी, इसको क्या बोलेंगे? अरे दो नंबर पर है तो दो बोलेंगे जी, एक नंबर पर है एक बोल दिए, दो नंबर पर है दो बोल देंगे, क्या तकलीफ है किसी को? कोई तकलीफ है क्या? चलो, जब तक आग न लगे सीने में तो क्या मजा जीने में, ठीक है? चलो ध्यान से समझो, अब हम लोग दूरी जब निकालेंगे ना, बोलिए, माचिस खोज रही है, हट बीड़ी पिएगी वो वो बीड़ी पीती है, अपने पता है अपनी मम्मी से बीड़ी मांगे पी रही थी एक दिन। हाँ क्या बोले बाबू? बीड़ी दादी, रोशनी दादी पीती है। देखो यार, इसकी दादी कान में वो होता है ना, जब लेडीज लोग का जो बुढ़ा जाते हैं ना, उस सबका देखिए कान बड़ा बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है ये? सॉरी, कान बड़ा नहीं, मतलब कान में जो छेद होता है ना, वो बड़ा हो जाता है। क्यों पता है? भगवान भी जानता है कि जब बड़े हो जाएगा तो उसको कुछ ना कुछ रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लड़का लोग या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सिगरेट रखेंगे कान के ऊपर, ठीक है, और लेडीज लोग इसके भीतर जहाँ कान वाले ढुकाना है वहाँ क्या डाल रहा है? सिगरेट, बीड़ी होता है यार, हम देखें। अच्छा, जो जो देखें आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है? ऑनलाइन वाला बच्चा, ठीक है, कमेंट करना आप लोग। और किसकी किसकी दादी कान में बीड़ी रखी है? हम ऑफलाइन में किसको किसको देखे भी है, ठीक है, लेकिन बोलेंगे नहीं। पूछ लो प्रियांशु से, मजाक है तो पूछ लो। मेरे जेब से बीड़ी मिल गया तुमको दो भाई। चलो, ये जो दूरी है पी क्यू की दूरी, तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, ध्यान रखिएगा कैसे करेंगे। देखो, पहले तो आपको x2 माइनस x1 करना, क्या करना है? x2 माइनस का होल स्क्वायर, फिर इसमें क्या है यहाँ लिखना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बीच में जो है ना क्या कर देना है प्लस, क्या कर देना है प्लस। अरे वैसे भी यहाँ और यहाँ को जोड़ रहे हैं ना, तो जोड़ देना लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं, हम ऐसे मजाक में बोले, यानी x2 माइनस x1 करके स्क्वायर करना प्लस y2 माइनस y1 करके स्क्वायर कर देना, आपका दूरी निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं सर इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो आने दीजिए समय, आगे में जाके हम इसका क्या कर देंगे, प्रूफ भी देंगे आपको, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ याद करने लायक चीज है जिसको आपको समझना चाहिए। x1 p और y1 था, x1 और y1 p का वैल्यू, q का क्या था? x2 और y2, इसके बीच का दूरी का फॉर्मूला यही पढ़े थे हम लोग, बोला हाँ यार, क्लियर है ना? ये जो रूट है ना, चूंकि मेरा जो सिस्टम है उसमें हमको रूट देने नहीं आ रहा था, ठीक है, क्योंकि उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का, टूम टाम किसी तरह सीखे थे डी सी एस में, भुला गए वो भी। तो ये जो है रूट पूरा में ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये ना कि अभी इतने बड़े रूट नहीं है सर, आप नोट्स में छोटे दिए थे, हम भी छोटे देंगे, तो गड़बड़ा जाइएगा आप लोग। अरे संतोष कुमार गप करता है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, ये मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है? यहाँ पर मूल बिंदु है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो जीरो, और इधर कहीं भी एक पॉइंट है। अच्छा देखो, तो दोनों पॉजिटिव है ना भाई, एक्स भी प्लस है और वाई भी प्लस है, दैट मीन्स कि ये जो पॉइंट होगा कहीं इधर ही होगा। नाम क्या है इसका? पी एक्स और वाई, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक का बीच की दूरी, ये पहला पॉइंट है ओ, दूसरा पॉइंट है P, इसलिए x1 y1 इसका होगा और x2 y2 नहीं समझा पाए। देखो जी, हम पहले कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, ओ, ओरिजिन ओ ले रहे हैं,
तो पहला नंबर पे जो रहेगा उसको हम लोग क्या मानते हैं, एक्स वन वाई वन, पे दूसरे नंबर पर है तो एक्स टू और वाई, कोई दिक्कत किसी को? अब हमको यहाँ से दूरी ज्ञात करना, सिंपल सा ना, ओपी की दूरी निकालिए, किसकी दूरी, क्लियर है कि नहीं? तो फॉर्मूला तो वही होगा ना भाई साहब, अंडर द रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर है? आप जरा हमें बताएं यहाँ पर जो x2 का प्रयोग आपने किया वो x2 के जगह पर क्या है, जल्दी बताइए, सिर्फ x है कि नहीं है? अरे बोलो नहीं यार, x2 की जगह पर क्या है, x, और जो x1 यूज किया है उसके जगह पर क्या है, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग सबको ध्यान दे रहे हैं, समझिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, y2 माइनस y1, सर y2 कितना है, y, तो यहाँ प्लस लिखेंगे भाई, वाई, वाई टू की जगह पर क्या रख देंगे, वाई, बोलो नहीं यार, और जो वाई वन का वैल्यू है कहाँ जी, वाई वन, अच्छा यहाँ वाई वन का वैल्यू कितना है, तो वाई टू माइनस वाई वन, फॉर्मूला के हिसाब से समझा रहे हैं, वाई टू की जगह पर था वाई और वाई वन की जगह पर था जीरो, तो माइनस जीरो का होल स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं? अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स में जीरो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स ही, तो एक्स का स्क्वायर प्लस का प्लस, वाई में जीरो घट गया, वाई बचेगा का स्क्वायर, बोला नहीं समझ पाया? इसलिए अगर कभी भी हमको मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने बोलेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, प्रूफ भी हो गया, आगे बढ़ जाए। चलिए जी, यहाँ पर आ गया हम लोग का क्वेश्चन, इतना ही थ्योरी था, इस थ्योरी के बाद जितना भी थ्योरी आगे आपका आएगा वो थ्योरी को हम एक एक करके समझते जाएंगे, ओके? तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, चलिए अब आपको दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने हम कह रहे हैं, है ना, बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें, जहां एक नंबर दिया है, हम एक नंबर नहीं बता के हम डायरेक्ट बताएं वो वाला तीन नंबर, या एक नंबर बता दें, जल्दी बोलिए, एक नंबर बताना होगा क्या, किन्हीं भी बच्चों को डाउट होगा तो पूछो, हम सबको बताएंगे, बिंदा सब पूछो, किसी को पूछना पक्का, चलो दो नंबर किसी को पूछना, यार हम बताएंगे यार, पहला क्लास है नहीं हम बताएंगे, हाँ हाँ, चलिए दो नंबर पहले समझिए, ठीक है, माइनस पाँच और क्या है सात, दूसरा क्या है, अच्छा यही है ना, इसका मतलब आप समझ गए होंगे, डेफिनेटली ये दो बिंदु के बीच की दूरी दिया गया, इसको मिटा के हम डायरेक्ट ऐसे लिख देते ना, ये बिंदु है कोई पहला ए, इसको नाम दे देते हैं बी, ए का निर्देशांक क्या है माइनस पाँच, बी का निर्देशांक क्या है माइनस एक और तीन, अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन लगे ना बाबू तो डायरेक्टली लिखिए माना, देखिए पहला वाला वन है तो इसलिए एक्स वन वाई वन, दूसरा वाला दो नंबर पे है एक्स टू और वाई टू, तो बोलिए एक्स वन यहाँ कितना मान लें और दूसरा क्या है y1 क्या होगा सात, बोलिए बाबू x2 कितना है और y2 कितना है, सबको समझ में आ रहा है, हमको ज्ञात करना दोनों के बीच की दूरी, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे AB की दूरी, किसकी दूरी है AB की दूरी, फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अब सिंपली हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, कृपया करके सारे बच्चे ध्यान दें, है ना, तो x2 कितना है बाबू लोग माइनस एक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, यहाँ पर ना बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, माइनस और प्लस में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, x2 की जगह पर माइनस वन पुट कर दिए, ये फॉर्मूला माइनस का है, यहाँ रख दिए x1 का मान, फिर माइनस, तो यहाँ दो बार माइनस लिखा आएगा, यही ध्यान रखने के लिए हम बोल रहे हैं आपको, समझ में आ गया? जो बच्चे थोड़ा सा अपना नॉलेज से बना रहे बना लेंगे, लेकिन जो कंफ्यूज कर जाएंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, फिर बोलिएगा सर नहीं बना, तो इसलिए ध्यान रखिए, y2 की जगह पर क्या है थ्री, यहाँ क्या है माइनस, छोड़ सकते हैं उसको क्या, वाई वन की जगह पर क्या है सेवन, प्लस माइनस सबको आता है बाबू, बड़ा बढ़िया बात, अच्छा स्क्वायर हम भूल गए, ठीक है, देखिए माइनस वन है ठीक है सर, बड़ा अच्छा बात आप बताए, लेकिन माइनस और माइनस प्लस होता है सर, ये तो बताना है ना, क्योंकि जब भी माइनस और माइनस सामने रहे याद रखना, ये क्या था
पांच था, जब भी सामने रहे तो माइनस माइनस कट जाता, लेकिन जब माइनस एक और माइनस पांच रहेगा ऐसे तो माइनस एक और माइनस पांच जुट जाएगा लेकिन चिन्ह बदलेगा नहीं, माइनस एक और माइनस पांच माइनस छह हो जाएगा, ये कभी नहीं कटेगा। लेकिन माइनस माइनस एक साथ रहे जैसे माइनस पांच माइनस माइनस पांच तक कट गया, नहीं समझे बात को, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए प्लस तीन माइनस सात का स्क्वायर, हम कोई छेड़छाड़ इसके साथ अभी नहीं किए लेकिन आगे अब बढ़ते हैं। पांच में एक घटेगा, पांच प्लस में एक क्या माइनस में, तो घटेगा तो क्या बचेगा चार का स्क्वायर। तीन माइनस सात, लो भैया होगा नहीं, सात में तीन घटा दो, नहीं माइनस चार, नहीं समझ पाए क्योंकि सात निगेटिव में और सात बड़ा हो गया और जब घटेगा तो बड़ा का चिन्ह रहेगा ना, तो माइनस चार। कोई दिक्कत किसी को? अब आप लोग स्क्वायरिंग जानते हैं ना जी, बोले तो चार का स्क्वायर और माइनस चार का स्क्वायर प्लस सोलह है ना, चार का स्क्वायर का मत समझिए, चार गुना चार हो गया सिक्सटीन, माइनस चार का स्क्वायर माइनस चार गुना माइनस चार माइनस माइनस गुना में कट जाता है। लेकिन जैसे अभी हम लोग जो बोले थे माइनस एक और माइनस पांच लिया था एक एग्जाम्पल है ना, यहाँ गुना नहीं है इसलिए कटेगा नहीं, यहाँ पर जुटेगा या घटेगा, तो सेम अगर एक ही जैसा चिन्ह रहता तो जुड़ जाता, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटेगा, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ हो जाएगा प्लस सोलह, कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए सोलह और सोलह बत्तीस, अब बत्तीस को हम लोग अच्छा बत्तीस हम तुमसे कट्टीस ये सब याद है आप लोग को, कटाइए इसको दो से, चार से कटा दो नहीं, चार अठे बत्तीस, फिर चार से दो बार, अब बुतरू तो आप लोग नहीं रहे हैं, चलिए तब ये सब बुढ़ा गया है सबका उम्र हो गया। चलो देखो तो हम लिख सकते हैं चार गुना और आप लोग पढ़े थे हीरोन्स फॉर्मूला याद है, दो ठो में एक ठो को बाहर और रूट में हो गया दो, इतना इकाई, क्यों सर दूरी है तो हम लोग लिखेंगे इकाई, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इंग्लिश में यूनिट होगा, बिल्कुल सही सर। ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट, आते हैं हम लोग दो नंबर सॉरी तीन नंबर, कोई दिक्कत? देखिए एक पॉइंट है यहाँ पर P जिसका कोऑर्डिनेट है A और B, एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट है माइनस A, जरा आप बताएं हमें इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, X1 किसका मान है बोलो जल्दी से, X1 कौन है, X1 का मान क्या जल्दी बोलो, Y1 का मान जल्दी बोलो आप लोग, है ना सिंपल लॉजिक है सर, ये एक नंबर में है तो एक लिखेंगे सीधा वाला, कोई कन्फ्यूजन होगा का, ये क्या नंबर पर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर x2 होगा, क्या होगा इसका वैल्यू, और y2 की जगह पर पुट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग करेंगे दूरी किसका, PQ का डिस्टेंस, तो लिखते हैं PQ की दूरी, फार्मूला पुट कर दें, क्या होता है x2 माइनस x1, समझ में आ रहा सर, x2 क्या है जल्दी से बताएंगे आप लोग फटाफट बताइए, कितना है माइनस a, माइनस का माइनस रहना होगा, x1 के जगह पर का ठीक, y2 के जगह पर जल्दी बोलिए माइनस b और फिर माइनस b, क्योंकि y1 के जगह पर b है ना, और ये जो माइनस है तो ही है इसका स्क्वायर। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े बचपन में कभी, जब आप छोटे बच्चे थे ना तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक फॉर्मूला पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता फॉर्मूला, पढ़े थे इसका यहाँ यूज कर लेंगे, हालांकि अभी जरूरत नहीं है, अभी ना एक चीज हम लोग इसको और सिंपल कर सकते हैं लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे ठीक है, और सिंपल कर देते हैं, बोलिए सर कैसे, माइनस ए और माइनस ए माइनस टू ए इसका होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस बी और माइनस बी ना, अरे बाबा माइनस टू बी, अरे माइनस वही माइनस बहुत बड़ा है ठीक है, लगेगा घटा तब पता चलेगा ठीक है, जिसका हुआ घटा उसी का
उसी का लाइफ फटा, ठीक है। चलो बस बस काफी है, इधर इधर। अब देखिए 2a का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4a स्क्वायर। अब माइनस 2b को क्या लिख सकते हैं, बोल रहे 4b ना होगा। कोई बच्चा तो ऐसे देख रहा है, ऐसा लगता है सर पता नहीं। अरे भाई मेरे, माइनस 2a है, का स्क्वायर है, तो माइनस 2 गुना माइनस 2 होगा और फिर a गुना a होगा। माइनस माइनस गया तेल लेने, दो दुनी चार, a गुना a स्क्वायर। सिंपल है। अब देखो क्या आप लोग कर सकते हैं इसके साथ। तो देखिए ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की दरकार नहीं है, लेकिन आप 4 जरूर कॉमन निकाल लीजिएगा, हमको मालूम है क्योंकि आप लोग सब तेज हैं, है कि नहीं। और जो तेज नहीं है उसको तेज होना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो हम जब बोलेंगे तब ज़्यादा तेज लगेगा आपको, ठीक है। ठीक है, बड़ा बढ़िया बढ़िया बात हम कभी कभी बोल देंगे आपको, ठीक है। 4 का रूट क्या होता है 2, इसलिए इस 4 को रूट से निकाल लिए और भीतराम रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब होशियार बन के ये नहीं करिएगा ए स्क्वायर, सॉरी ए और बी लिख दिए। एक बच्चा ना जब टेस्ट लिए थे तो वो क्या लिखा था, ए प्लस बी लिख दिया और बोला सर स्क्वायर स्क्वायर दोनों में कॉमन लेके लिख दें क्या। ऐसे नहीं हो सकता ना। ऐसे होगा क्या? नहीं होगा। तो ए स्क्वायर अपना है, बी स्क्वायर उसका अपना है, उसके साथ हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि पावर कभी कॉमन नहीं आता, ठीक है। कॉमन क्या आ सकता है, जो उसके साथ मल्टीपल होता है, जो उसके साथ गुना होता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तब यही होगी आपका मात्रक, इतना दूरी। बोलो क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा भुतलाया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन जितना क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक हम इतने बनाएंगे। आगे आप अनुच्छेद 7.2 अपना बुक में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। हेलो यार, नए बच्चे जिसके इसके पास बुक नहीं है, आप अपना गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, ठीक है, और प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा NCERT बुक, ठीक। और अगर लिख दीजिएगा हिंदी मीडियम तो हिंदी वाला आएगा, इंग्लिश मीडियम लिखेगा तो इंग्लिश आएगा, और नहीं हो लिखेगा तो यो आएगा। कोई दिक्कत? NCERT बुक क्लास 10th लिखेगा आ जाएगा, डाउनलोड करके पढ़ बनाइए, उसके बाद 100% तक दाम होगा मेरे ख्याल से, सबको खरीद लेंगे। ज़्यादा दाम है? 100 रुपया, 110? अच्छा छोड़ यार, हम दुकान थोड़ी खोले हैं यार। इधर पढ़ो, बिंदु फलनवा और फलनवा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये बिंदु फलना 0 0 है, 0 0 कहाँ होता है, बोलो जल्दी से। मूल बिंदु है कि नहीं है? और दूसरा 36 और इसका नाम मान लेते हैं ए, इसका नाम बी। हम बोलेंगे ए बी की दूरी बराबर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आई? थोड़ा सा नीचे कर देते, कोई तकलीफ किसी को जी? यहाँ बोलिए X1 का मान पहले और Y1 का मान ज्ञात कर लेते हैं जी। X1 कितना है? 0। Y1 कितना है? 0। X2 कितना है? 36। जल्दी बोलिए Y2 कितना है? 15। गुना करने के लिए तैयार रहिएगा, अपना कलम को तैयार रखना, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे फटाफट करना है। कोई मोबाइल से नहीं करेगा, नहीं करेगा मोबाइल से। चलो देखो X2 की जगह पर कितना है, 36, और X1 की जगह पर 0 का होल स्क्वायर। Y2 की जगह पर बोलो यार, माइनस 0 का होल स्क्वायर। लो भाई 36 का स्क्वायर जल्दी करो, 36 में 0 गया 36 ना होगा, और 15 में 0 गया तो 36 का स्क्वायर जल्दी बोलो, 15 का क्या होगा, 225। जल्दी मल्टीप्लाई करिए आप लोग, 36 का स्क्वायर मतलब 36 गुना 36, 1296 गुना कर लिए, 1296 ऐड करो फटाक से आप लोग, ऐड करो 5 और 6 11, 2 और 9 11, और हाथ में 1 था 12, हाथ बचा 1 12 और 2 14 1521। क्लियर है जी? इस 1521 का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो फैक्टर आप कर लीजिए, आंसर आप लोग मैच कर सकते हैं। ये 1521 को आप थोड़ा सा ब्रेक करिए, आप 3 से कटा सकते हैं सर, 3 5 15, नारे बाबा 0 उतरेगा फिर 2 फिर है ना, फिर ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 3 एकम 3, 2 0 3 6 18, 2 7 3 9 27, फिर ये किससे कटेगा, 13 से 13 12। क्लियर है कि नहीं? दैट मीन्स कि 1521 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13। अब आप सब पढ़े लिखे इंसान हैं इसमें,
बोलो ना, दो ठो में एक ठो बाहर, दो ठो में एक ठो तेरा तिया 99, तेरा तिया 99 कौन बोला? 13 3 39 होता भैया मेरे, है ना? राखी का लाज बचाना, ठीक है? चलो, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हो रहा देखो? 7:50? 6:50। अच्छा अच्छा 6:50। बस थोड़ा सा हम इसका हिंट सिर्फ दे देते हैं, फिर आप लोग बनाइएगा, है ना? यहाँ क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखीय है। तो आपको सबसे पहले हम समझाना चाहेंगे संरेखी क्या होता है। संरेखी देखिए, यदि दो से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संरेखी बिंदु, या संरेखी को हम लोग कॉलिनियर कहते हैं, COLINEAR कॉलिनियर। संरेखी को क्या कहते हैं? कॉलिनियर। को मतलब एक होता, लिनियर मतलब लाइन, एक ही रेखा पर, सीधा सी बात है, संरेखी बिंदु कहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर है एक बिंदु, यहाँ पर है एक बिंदु, यहाँ पर है एक बिंदु, जरा देखिए तो ये एक रेखा का निर्माण किया, ठीक है? फिर यहाँ पर देखिए एक रेखा इधर हुआ, दो रेखा बन गया ना, तीसरा रेखा कहाँ पर बनेगा? ऐसे बनेगा ना, ये तो सिंघाड़ा बन गया। हाँ हाँ वही हुआ। तो एक ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है। अरे सूत्री के एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, हाँ क्या कि ये लुआ है सो ले लुआ सब। गजी हम बोल रहे एक ही रेखा, तो बोलते यस कुछ भी, आदत बड़ा अजीब है तुम लोग का यार। तो यहाँ तीनों जो है अलग अलग रेखा है ना, तीन रेखा यहाँ पर है, जो तीन रेखा हो गया तो इसलिए ये संरेखी नहीं है, इसको संरेखी हम लोग नहीं कहेंगे। बता रहे चिंता से चतुराई घटता है, इसलिए आपको चिंता करना नहीं है। अरे हम हैं तो फिर क्या गम है? यहाँ पर देखो एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, एक बिंदु है सी, कुछ देखा? क्या देखा? यहाँ पर एक बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, तीनों बिंदु कहाँ पर है? एक रेखा पर है। तो तीनों बिंदु एक रेखा पर है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं संरेखी। जरूरी थोड़ी है तीन को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 समझ में आ गया ना? तो संरेखी में बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं ना, लेकिन कम से कम कितना? तीन। दो से ज्यादा, कम से कम तीन, दो से क्या लिख दिए हैं? एक ही क्या लिखे जी? दो से अधिक, दो नहीं बोले। अगर दो होगा तब तो बपोती है, होगा ही रेखा एक को। कैसे बनाइए? लीजिए ऐसे ऐसे बना लो, एक एक रेखा कैसे बनाना लो, ना होगा? तो दो से ज्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स कि कम से कम तीन को। समझ में आ रहा है जी सबको? अच्छा अच्छा, यहाँ कॉन्सेप्ट समझते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है समझने लायक। अगर यहाँ पर पॉइंट ए है, बी ए, सी है, तो अगर मान लेते ये डिस्टेंस 5 है भाई साहब, ये पॉइंट 3 है, सॉरी ये डिस्टेंस 3 है, तो जरा ये 5 है, ये 3 है, अगर ए बी बराबर 5 हो, बी सी बराबर 3 हो, तो आप ही लोग बताइए कि ए सी का मान कितना होगा? 8 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 5 और 3 8 होता है। अरे जोड़ भी नहीं पाए आप लोग, तो बोल के कंफ्यूज का इतना करते हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कभी भी बिंदु संरेखी हो जाए, अगर कभी भी बिंदु संरेखी हो जाए, तो इस स्थिति में एक कंडीशन होगा। सर क्या? सर अगर हम ए बी को बी सी से जोड़ दें, यानी ए बी प्लस बी सी, इसका मान होगा ए सी। यानी याद रखिएगा, कभी भी संरेखी वाला पॉइंट या कोई क्वेश्चन दिया रहे तो संरेखी वाला में आपको करना है तीन पॉइंट। देखो ये ए है, ये बी है, वो सी है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, इस कंडीशन पे आपको चलना पड़ेगा। अब आ रहा है मेन चीज, खेल यहीं पर हमको करना। अगर हमको तीन बिंदु दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, तो तीनों संरेखी नहीं है जी,
अगर संरेखी नहीं है तो इसको हम लोग कहते हैं असंरेखी बिंदु। क्या कहते हैं? असंरेखी बिंदु। नॉन कोलिनियर लाइन या सॉरी नॉन कोलिनियर पॉइंट, असंरेखी बिंदु। क्लियर है भाई लोग? किसी को कोई तकलीफ नहीं? चलिए, इसका मतलब अगर असंरेखी है तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी प्लस बी सी कभी भी ए सी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये असंरेखी है तो ये एक त्रिभुज का निर्माण करेगा और त्रिभुज में दो भुजा तीसरी भुजा के योग के बराबर नहीं होता। आप लोग क्लास सेवेंथ में, सिक्स में, एट में भी पढ़े होंगे, अगर किसी भी त्रिभुज का तीन भुजा दिया रहे ए बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी, अगर ए बी प्लस बी सी दिया रहे, ध्यान रखिएगा ए बी प्लस बी सी दिया रहे, वो हमेशा बेसी होगा किससे? तीसरी भुजा से, ए सी से। अगर कभी भी ऐसे दिया रहे ए सी प्लस बी सी, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ए सी प्लस बी सी, तो ये हमेशा बड़ा होगा, ए सी प्लस बी सी हमेशा बड़ा होगा किससे? जो बचल का है उससे, क्योंकि पहला भुजा हमेशा और हमेशा छोटा हो सकता, हमेशा और हमेशा छोटा होगा। समझ में आ गया कि नहीं? यहाँ भुजा की बात चल रही है, कौन की बात नहीं चल रही है, इसलिए याद रखिए भुजा का कॉन्सेप्ट है ये। उसी तरह एक अगर बी सी को निकालना चाहते हैं आप, बी सी, तो बी सी हमेशा छोटा होगा किससे? ए बी प्लस ए सी से। ये बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये क्लास टेंथ में भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, जब चैप्टर 6 आएगा तभी। क्लियर हो गया जी? तो आते हैं इसमें हम लोग, सॉरी इसको इरेज नहीं करेंगे, इसको नोट के लिए रखना है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, ये सब कॉन्सेप्ट दिए। अब आते हैं हम लोग मेन क्वेश्चन पे, ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। निर्धारित कीजिए क्या बिंदु फलाना फलाना फलाना, तो एक बिंदु है मान लेते हैं इसका नाम है 1 5 ए, दूसरा बिंदु है इसका नाम है बी, तीसरा बिंदु है। क्लियर है? तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, यदि ऐसे लिखेंगे कंडीशन, यदि तीनों बिंदु क्या हो? संरेखी हो। यदि तीनों बिंदु संरेखी हो तो ए बी प्लस, देखो नहीं यार, ए बी प्लस बी सी कितना के बराबर होगा? रटने की कोई चीज नहीं है, आप समझिए बात को। मैथ वैसे भी कॉन्सेप्ट एक ऐसा चीज होता है ना, मैथ का कॉन्सेप्ट, अगर आप समझ गए तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, और नहीं समझिएगा तो फिर आपका गर्दा यही उड़ाएगा, ठीक है। अब उड़ाना है कि उड़वाना है सोच लीजिएगा, तो उड़वाना है, अच्छा उड़ाना है। ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। अब यहाँ पर आपका कहानी शुरू होती है। अब आप ए बी की दूरी निकालिए, किसकी दूरी निकालेंगे? निकाल पाएंगे उसी तरह? फिर किसका दूरी निकालिएगा? बी सी की दूरी निकालिए। फिर किसका दूरी निकालिएगा? ए सी। आपको तीनों का दूरी अलग अलग निकालना है, जैसे आप पीछे भी दूरी निकाल रहे थे, डिस्टेंस निकाल रहे थे, क्लियर है कि नहीं? तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला, वही दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको सब तीनों का दूरी निकालना है, और दूरी निकालने के बाद आपको तीन ए बी और बी सी को जोड़ देना और ए सी के बराबर देखना। अगर ए बी प्लस बी सी जोड़ने के बाद ए सी के बराबर आ गया तो आप नीचे लिख दीजिएगा, अतः यह बिंदु संरेखी है। बस, नहीं समझ पाए? नहीं आया तो संरेखी नहीं है, सीधी सी बात, असंरेखी है। बोलता नहीं आया तो कैसा यार, ठीक है। तो तीनों का डिस्टेंस आपका निकालना काम रहेगा, ये आप घर में सॉल्व करें, क्लियर है? नहीं बनता है तो कल फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों, उम्मीद है आज आपको समझ में ये वाला क्लास आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद इसके आगे जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।